आयोजन किया गया है और जिस प्रकार से आप एक्टिव नजर आ रहे हैं इस महामारी के बीच, वैसे आपके नगर सेवक भी सुबह से रात तक लगे रहते हैं, किस तरह से आप उन्हें किस प्रकार से आप उन्हें समझा पाते हैं कि दूसरों में काम करना है? देखिए हम लोग त्याचा प्रॉब्लम आहे, त्याला ऐकायचं ना, त्याला करायचं, हां त्याला गत अनेक वर्षों से हम 23 तारीख को लोकमान्य तिलक जी के जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। इस साल भी हमने 23 तारीख को माले अर्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया, लेकिन 23 तारीख को पहला मीटिंग मेरा दिल्ली में लगा था तो मैं नहीं था, तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप रहेंगे तभी हम ये कार्यक्रम करेंगे। आज उत्तर मुंबई के छः विधानसभा में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे सारे विधायक, सारे नगर सेवक और सारे पार्टी के पदाधिकारी मिलकर, मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई में कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने एक विधान लोकसभा में इतना बड़ा रक्तदान का आयोजन नहीं हुआ होगा, वो हम कोरोना के महामारी में आज कर रहे हैं। इस साल में ये बढ़ाने का दूसरा एक कारण ये भी है कि डॉक्टरों का सामने से फ़ोन आने लग गया कि ब्लड की कमियाँ महसूस हो रही है तो आप हमें मदद करिए। तो हमने कहा कि ऐसे समय पर तो बाकी तो जनरल समय पर तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो मैंने तुरंत इस बात को हाथ में ले लिया और पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा। मुझे बड़ी खुशी है कि कार्यकर्ता बड़े उत्साह में काम में लगे हैं और एक अच्छी, मैं मानता हूं कि आज 700 का आंकड़ा पार करके हम आगे जाएंगे, ऐसा मुझे अभी से एहसास हो रहा है। तो गोपाल जी, जिस प्रकार से आप सुबह निकलते हैं अपने पूरे कार्यशैली हर जगह आप विजिट करते हैं, तो उस प्रकार आप अपने नगर सेवकों को किस प्रकार बता पाते हैं कि इस महामारी के बीच जनता के बीच में रहकर आपको कैसे कार्य करना है? हमारे सारे विधायक और सारे नगर सेवक कोरोना महामारी में पहले दिन से ही काम में लगे हैं, अनाज बांटने से लेके सैनिटाइजर से लेके फिर बाद में अभी हॉस्पिटल में भर्ती करना, जो भी जवाबदारी आई वो सारे जवाबदारी को बखूबी निभाने का काम हमारे सारे विधायक और सारे नगर सेवकों ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की और गोपाल शेट्टी की ताकत है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जिस प्रकार से पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए पहुँचने वाले, वहाँ पर शरद पवार का एक विवादित बयान आता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने उसके बारे में एक बार टिप्पणी की है, बार बार मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा क्योंकि बड़े नेता है, उनका सम्मान भी हमने करना चाहिए। हो जाता, कभी कभी बातें इस प्रकार की निकल जाती है, उनको जो करना हो करे, हमको जो करना हो हम करेंगे। हमारे देश के नेता मोदी जी है और मोदी जी का जो भी आदेश होगा उसका पालन करना ये पार्टी के कार्यकर्ता और इन दिनों में तो देश के हर नागरिक का स्वभाव बनते जा रहा है, इसलिए जब इतने बड़े पैमाने में लोग मोदी जी के साथ में है तो कुछ गिने चुने लोग अगर विरोध करते हैं तो वो भी मुझे लगता है कि हमको वो भी स्फूर्ति देते हैं और अच्छा काम करने के लिए, इसलिए हम उनका भी अभिनंदन ही करेंगे कि वो इस प्रकार का वक्तव्य जीवन भर करते रहे ताकि हमको और अच्छा काम करने के लिए हम प्रेरणा मिले और हम प्रेरित हो। दरवर्षी 23 जुलाईला लोकमान्य टिळकांच्या जयंतीनिमित्त आम्ही कार्यक्रम करत असतो अशा प्रकारचं, आणि ह्यावर्षी जन्मशताब्दी वर्ष असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात करायचं ठरवलं। आज उत्तर मुंबईच्या 6 च्या 6 विधानसभेमध्ये अशा प्रकारचं रक्तदानाचं आयोजन आम्ही करतो आहे आणि हे संख्या मोठी करण्याची आवश्यकता, एक तर जन्मशताब्दी वर्ष तो एक निमित्त आहेत, परंतु डॉक्टरांकडनं अशी मागणी आली आहे की रक्त चा तुटवडा होत चालले तर आपण मदत करा म्हणून, आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात आम्ही आज आयोजन केलं आणि मला आत्मविश्वास आहे का संध्याकाळी 1 7 800 800 चा आकडा पार करून आम्ही पुढे जाऊ अशा प्रकारची स्थिती दिसते आहे।